हेलो फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हम लोग एस आई सी आई से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एस आई से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट, मैं इसका जस्ट आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता दूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एस आई, इसे हम एस आई बोलते हैं, ये होता है पी आर टी बाई 100, जहाँ पे पी क्या होता है, एक प्रिंसिपल प्राइस होता है जो एक्चुअल अमाउंट होता है, आर क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि किस रेट पे इंटरेस्ट दिया गया, और टी क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइम। पी आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। आर आपका रेट होता है कि किस रेट पे आपको ये प्राइस दिया गया है, और टी आपको बच्चों होता है टाइम कि कितने टाइम के लिए ये आपको पे किया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा हो गया, क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है सुनील बोरो रुपी 30,000 एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, ही मेक मंथली पेमेंट फॉर 4 ईयर। कितने साल पे किया, 4 ईयर। तो बच्चों यहाँ अगर पी की बात करें तो पी आप देख सकते हो तो कितना है, 30,000 है। कितना बच्चों, 30,000 रुपी है। उसके बाद जो आर की वैल्यू है बच्चों, वो कितना है, 9%। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो। उसके बाद कह रहा है जो टाइम पीरियड है वो आपको 4 ईयर। ठीक है, कितने साल पे करता है, वो 4 ईयर पे करता है। तो यहाँ से हम जब एस आई निकालेंगे तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी आर टी बाई 100। चलिए पी की वैल्यू कितनी है, 30,000, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9, और टाइम कितना है, 4 ईयर है। डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया 30,300 इंटू 9 4 36। अभी देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 3 6 18, 8 आ गया, कैरी 1। 3 का मल्टीप्लाई 3 3 9 110, और ये 2 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 10,800 आपका टोटल इंटरेस्ट आया। तो पहला जो आंसर क्वेश्चन है इसका कि द टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड, कितना इंटरेस्ट वो पेड करेगा, तो इतना इंटरेस्ट वो पेड करेगा। अब कह रहा है टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो बच्चों अब देखो टोटल अमाउंट की बात करें, जब टोटल अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये आपका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, तो अमाउंट हमें फाइंड करना है। चलिए अच्छी बात है, प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल आपका यहाँ पे गिवन है 30,000। कितना गिवन है, 30,000। एस आई कितना गिवन है बच्चों, अभी आपने फाइंड किया, ये आपका 10,800 है। सो इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 2 टाइम 0 यहाँ पे, 2 टाइम 0 यहाँ पे, तो 2 टाइम 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 0 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 1, ये 4 आ गया। तो उसको 40,800 रुपी पेड करना पड़ेगा। अब कह रहा है द मंथली अमाउंट टू बी पेड, अगर वो मंथली इसको पेड करता है, ये आपका सेकेंड था, ये आपका थर्ड है बच्चों। अगर मंथली पेड करता है तब कितना करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं बच्चों, देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होगा इसका, यहाँ पे 4 ईयर के लिए लेता है, 4 ईयर, तो 4 ईयर जब पेड करेगा तो 4 ईयर में कितने मंथ हो गए, तो सर 4 × 12 हो गए मंथ्स, कितने हो गए, क्योंकि 1 ईयर में होता है 12 मंथ, तो 4 ईयर में इतने हो गए। तो पर मंथ जब पेड करेगा ना, इसको पर मंथ कितना पड़ेगा, पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट पड़ेगा वो पड़ेगा, टोटल अमाउंट है 40,800। कुछ नहीं करना बच्चों, इसी को आपको 4 × 12 से डिवाइड कर देना है। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, 4 2 ज़ा 8, इतना आ गया। अब इसको डिवाइड करो, तो इसे डिवाइड करेंगे फिर से 4 से करो, 4 3 ज़ा, और इसको डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, 2 बचा इसके पास, 22 हो गया, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 0, फिर 3 से डिवाइड करें इसको, तो 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15 0। तो बच्चों उसे पर मंथ कितना जमा करना पड़ेगा, 850 रुपी पर मंथ उसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे आपको फिर से डाउट हो रहा है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, मैं कलर चेंज कर लूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो पाओ। देखो बच्चों होता क्या है, वन ईयर की बात करें तो 1 ईयर में होते हैं बच्चे 12 मंथ्स, कितने होते हैं बच्चे, 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर हमें
पता करना है फोर ईयर में, तो फोर ईयर में कितना हो जाएगा बच्चों, तो फोर ईयर में हो जाएगा 4 × 12 मंथ हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो बेटा मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया ना क्योंकि यहाँ हमें डिवाइड करना था। तो क्वेश्चन को ईजी बनाना सीखो यार, टफ तो सब बना देंगे, ईजी कौन बनाएगा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।